स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 6 जुलाई को इंदौर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों के बाद हो रहे चुनाव को लेकर जहां दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, वहीं अन्य राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में डट चुके हैं। यदि महापौर पद की बात की जाए तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी से संजय शुक्ला एवं भारतीय जनता पार्टी से अधिवक्ता पुष्य मित्र भार्गव के बीच होने जा रहा है। भाजपा द्वारा पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्य मित्र भार्गव को महापौर का टिकट देने से अधिवक्ताओं में खुशी की लहर देखी जा सकती है। इंदौर के जिला न्यायालय में तो अधिवक्ता पुष्य मित्र भार्गव का अघोषित प्रचार प्रसार करते हुए भी देखा जा सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूरगामी निर्णय लेते हुए एक योग्य एवं कुशल व्यक्ति को महापौर के उम्मीदवार के रूप में चुना है। हम पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और शहर की जनता से अपील करते हैं कि इंदौर शहर के समग्र विकास के लिए महापौर प्रत्याशी के रूप में पुष्य मित्र भार्गव को विजयी बनाए। अधिवक्ताओं को इस तरह से राजनीति में उतरने के मौके मिलेंगे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मौका तो सभी के लिए खुला हुआ है। जो इससे योग्य होगा उसको मौका जरूर मिलेगा। जहाँ तक पुष्य मित्र भार्गव जी का प्रश्न है, वो एक अच्छे वक्ता ही नहीं, अच्छे प्रवक्ता ही नहीं, एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं और देश ही नहीं कहीं जगह पर उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और उनके द्वारा किए गए कार्य आज सर्वविदित है। ये बात अलग है कि उनको राजनीति का अनुभव नहीं है, बाकी उनके पास जो अनुभव है वो किसी भी कीमत में कम नहीं आका जा सकता। और चूंकि BJP ने काफ़ी समय 7-8 दिनों के मंथन के बाद एक योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया है और बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि काफ़ी अनुभवी नेता लोग इस चुनाव के लिए लगे थे कि BJP में इंदौर के लिए महापौर के लिए किसे चुना जाए, और पूरे मंथन के बाद जो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को चुना है वो हमारे पुष्य मित्र भार्गव जी एक बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं और उनमें काफ़ी समझ है इंदौर के विकास के लिए, और इंदौर के ही नहीं अपितु जन जन के विकास के लिए उनके पास काफ़ी अनुभव है। इसीलिए उनकी उम्र इस मायने में मायने नहीं रखती कि एक कम उम्र का व्यक्ति महापौर के लिए चुना जा रहा है। वो कम उम्र के बावजूद भी इतने योग्य हैं कि वो देश ही को और अपने इंदौर शहर के विकास को आज सर्वविदित पूरे देश में ख्याति प्राप्त कराएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं जनता से निवेदन करता हूं कि इनसे अधिक से अधिक बहुमत से इनको विजयी बनाएं। मैं दीपक परमार, एडवोकेट। उससे समस्त अधिवक्ता संघ में खुशी और हर्ष का माहौल है। उससे प्रत्येक अधिवक्ता इस खुशी के माहौल को बताने के लिए बता नहीं सकता कि कितना खुश है। और जो पुष्य मित्र जी को टिकट मिला है वो इतने विद्वान अधिवक्ता है कि, और उनको इतना अनुभव है कि वो शहर का इतना विकास करेंगे कि देश में जो आज नंबर वन है उसको और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जैसे कि उनकी उम्र बहुत कम है जी, तो क्या लगता है किस तरह से परिपक्वता के साथ वो शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे? देखो, शहर का विकास करने के लिए उनको उम्र के अनुभव की आवश्यकता नहीं है, उनके पास में अपना इतना अनुभव है और इतनी अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं वो कि उनको अपने एज के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उनके सामने जो प्रत्याशी है संजय शुक्ला जी, अभी हाल ही में पता चला उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और निश्चित रूप से धन बल के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या लगता है पुष्य मित्र भार्गव जी किस तरह से उनका सामना कर पाएंगे? ये तो शहर की जनता बताएगी कि उनको पैसा वाला आदमी चाहिए या विकास करने वाला आदमी चाहिए। आज विकास पुरुष की आवश्यकता है शहर को आगे ले जाने के लिए, ना कि धनवानों की। आपका परिचय? मैं संजय गायकवाड़, एडवोकेट, नोटरी। एक्चुअली अभिभाषक संघ में अत्यंत हर्ष का माहौल है, क्योंकि हमारे बीच के एक अधिवक्ता साथी जो पुष्य मित्र भार्गव है उनको BJP द्वारा आज महापौर पद का टिकट दिया गया है, तो प्रत्येक अभिभाषक में बहुत अत्यंत हर्ष का माहौल है और हम सभी अभिभाषक कामना करते हैं कि वो बहुमत से विजय हो। हर एक अधिवक्ता साथी उनको विजय बनाने के लिए अभिभाषक संघ की तरफ से प्रयासरत है। जैसे कि एक वकील महापौर यदि बनता है तो क्या लगता है शहर का किस तरह से विकास जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा, क्या कहना चाहिए? शहर का बहुमुखी विकास होगा, क्योंकि BJP द्वारा आप देख रहे हैं कि काफ़ी विकास किया गया है, और चूंकि हमारे पुष्य मित्र भार्गव जी जो विद्वान अधिवक्ता हैं, साथ में पूर्व में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, तो उनके द्वारा काफ़ी प्रयासरत किया जाएगा और शहर का बहुमुखी विकास होगा। आप लोग किस तरह से उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील करते हैं? हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे पुष्य मित्र भार्गव जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके विजय बनाया जाए ताकि शहर का विकास हो। आपका परिचय? राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।